हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला मैं एक अपडेट के बारे में, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम डेट के बारे में बात करने वाला हूं। अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया पटना हाई कोर्ट ने और कंफर्म कर दिया कि आपका एग्ज़ाम डेट 30/4/2023 को ही होने वाला है, यानी संडे के दिन एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में होगा और 18 अप्रैल 2023 को। और इसमें मेंशन किया गया है कि आपका एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आपका सेंटर और आपका एग्ज़ाम कन्फर्म किया है, संडे यानी 30/4/2023 को एग्ज़ाम होने वाला है, होने वाला संडे के दिन, और आपका एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में होगा। सिंगल शिफ्ट अगर बात करें तो 12 बजे से लेकर 2 बजे, मतलब दो बजे तक होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है। और इसमें आप सभी को बता दूं, इसमें जो सिलेबस है आपका, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से, यानी जनरल स्टडीज से 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग से, यानी अर्थमेटिक और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा। एंड 25 आपका रहेगा इंग्लिश से, और 15 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से, और 10 नंबर कंप्यूटर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया बेगूसराय, भोजपुर में कहाँ, आरा में सेंटर रहेगा, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना एंड वैशाली एंड हाजीपुर में सेंटर रहेगा। आप इसमें क्या है, आप 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम है, 10 से 11 बजे तक आपको रिपोर्टिंग कराया जाएगा, जो बीपीएससी में अभी लागू कर चुका है। बीपीएससी में 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट में भी आपको 1 घंटा पहले 10 से 11 तक ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया कुछ एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड आप जो एलिजिबल कैंडिडेट है, इसमें भी एलिजिबल कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, पटना hycourt.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो आपको एडमिट कार्ड के बारे में जो ये है, SMS और मेल के थ्रू से आपको भेज दिया जाएगा, इंटीमेट भेजा जाएगा मेल के थ्रू से और SMS के थ्रू से, ठीक है। तो आपने जो नंबर रजिस्ट्रेशन का टाइम जो फॉर्म भरते वक्त आपने दिया होगा, उस नंबर को आप चालू रखें और वहाँ से आपको देख चेक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया थ्रू SMS एंड ईमेल वन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप कंफर्म कर दिया 10 दिन पहले। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2023 से,